हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलू मटर और गाजर की सब्जी। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 1 कटोरी मटर लिए हैं, 3 मैंने गाजर लिए हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी आधा चम्मच। ये मैंने जीरा डाला है। 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल हेल्दी होता है। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं। 3 मैंने टमाटर लिए हैं। मैं सारे मसाले इकट्ठे डालूंगी। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए मसालों को, इसलिए मैं इकट्ठा डालती हूँ ताकि उसके में जो भी प्रोटीन न्यूट्रिशंस होते हैं वो वेस्ट ना हो और सब्जी जल्दी बनती है और टेस्टी बनती है। ये 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली है। थोड़ा इसमें मैं पानी डालूँगी 2 चम्मच, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। हमारा मसाला मोस्टली भून के ऑलमोस्ट भून चुका है। मेरी रेसिपीज़ बहुत इजी होती हैं और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं आलू गाजर मटर डाल रही हूँ। थोड़ा मैं इसको भूनूंगी। देखो हमारी सब्जी कितनी सुंदर और कलरफुल लग रही है। आप इसको तरी वाली भी बना सकते हैं और सूखी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी तरी वाली बनाऊंगी। देखो दोस्तों, हमारी आलू मटर गाजर की सब्जी तैयार है। मैंने इसको थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाया है। देखो मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने ये ऑफिस के लिए बनाई है, लंच के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।